हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रो ऐप पे फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता है, चाहे वो कितने बार भी उस पर चाहे बैंक स्टेटमेंट या फिर किसी भी तरह का बिल डाल चुके हैं, लेकिन वो जो है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो भी डिटेल्स आपने, जो भी बैंक स्टेटमेंट हो या फिर आपने जो भी अपने मंथली इनकम का जो भी बिलिंग हो, जो भी चीजें आपने यहाँ पे सबमिट किया है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसके कारण से फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है बिल्कुल सही तरीका से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एफ एंड ओ वाले ऑप्शन पर आपको एंटर हो जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे एक्टिवेट एफ एंड ओ करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करके एंटर हो जाना है और यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका यहाँ पर बैंक और उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करके इंटर हो जाऊंगा। तो जैसे ही आप अपने बैंक का सिलेक्ट करके इंटर हो जाओगे, वैसे यहाँ पर आपको जो है पांच ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपको ऊपर में दिखेगा सिलेक्ट इनकम प्रूफ। तो यहाँ पर आप पांच में से किसी भी एक पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला है बैंक स्टेटमेंट, इसी तरह से दूसरे नंबर पे है सैलरी स्लिप, तीसरे नंबर पे है ITR एक्नॉलेजमेंट, इसी तरह से चौथे नंबर पे है फॉर्म 16B और आखिरी में हमारा डीपी ट्रांजेक्शन। तो इन पांचों ऑप्शन में से किसी एक को आप सेलेक्ट करके इसमें जो है आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ के, तो आप यहाँ पर सिंपली अपलोड कर सकते हो इसे सिलेक्ट करके। दूसरे नंबर की बात करें तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, तो इसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तीसरे पे है ITR के एक्नॉलेजमेंट है, तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसी तरह से फॉर्म 16B या फिर आप डीपी ट्रांजेक्शन पे भी इसी तरह से सेम अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट बैंक स्टेटमेंट को मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो बाकी इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। प्रोसीड टू अपलोड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपने बैंक के 6 मंथ के स्टेटमेंट यहाँ पर PDF बना के रख लेना है और जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है, वो भी 10 MB से कम रहना। PDF को अपलोड करने के लिए आपको कॉर्नर में एक प्लस का साइन दिखता होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे अलाउ वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी PDF है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी फोल्डर पे आपका जो PDF रखा हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस बात को याद रखिएगा, जिस भी PDF को आपने यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उस पर पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना PDF जो है सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से आपको अपना PDF सेलेक्ट कर लेना है। तो PDF को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जो है आपको एक ऑप्शन दिखता होगा ब्रैकेट का, सिंपली उस पर अगर अनटिक होगा तो इसे टिक लगा लीजिएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको एफ एंड ओ विल बी एक्टिवेट इन 24 आवर्स, ये हमारे 24 घंटे के अंदर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद नीचे डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इसके बाद आप 24 घंटे के बाद अपना जो ग्रो ऐप को ओपन कीजिएगा, यहाँ पर आपका सक्सेसफुली जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।